एक बात कहूँ, ये हिमाचल प्रदेश के वो बागी नेता हैं जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने खुद फोन किया था। मोदी ने कृपाल परमार को कहा था कि तुम चुनाव मत लड़ना, मेरा तुम पर हक है, लेकिन परमार ने मोदी की एक ना सुनी और निर्दलीय चुनाव लड़ लिया फतेहपुर से। लेकिन खुद तो फजीहत हुई ही, साथ ही बीजेपी के वोट भी काट ले गए। अब मोदी जी ने तो कहा ही था जी जी मोदी जी, मैं एक एक बात कहूँ, आके तो मेरा मेरा भी है, मैं मेरी मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी। नहीं, काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान भगवान का देश है मोदी जी। दो दिन पहले हो जाते। अब परमार ने मोदी की नहीं सुनी तो खामियाजा देखिए कैसे भुगतना पड़ा, मुंह की खानी पड़ी। फतेहपुर से चुनाव लड़े लेकिन जीते कांग्रेस के उम्मीदवार भवानी सिंह पठानिया 33,238 वोटों के साथ। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राकेश पठानिया दूसरे नंबर पर आ गए 25,884 वोटों के साथ और बगावत करने वाले कृपाल सिंह परमार 2,811 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। बता दें कि परमार उन बागियों में से हैं जिन्होंने पहाड़ी राज्य में भाजपा को जीत से पीछे खींच लिया है, और ये कोई एक बागी नहीं है, ऐसे कई और बागी नेता हैं। किसी ने कांग्रेस से बगावत की थी तो किसी ने भाजपा से, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो भाजपा का होते हुए दिखाई दिया। लेकिन कृपाल परमार की नाराजगी आपको बता दें कोई नई नहीं है, वो पिछले साल से नाराज चल रहे हैं। पहले पार्टी ने फतेहपुर उपचुनाव में टिकट नहीं दिया तो परमार नाराज हो गए, खासतौर पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से। वही नाराजगी अब विधानसभा चुनाव में भी खुलकर सामने आ गई। आगे जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये वो बयान है जो उन्होंने मोदी के साथ फोन कॉल वायरल होने के बाद दिया। नड्डा जी के साथ लगभग 40 साल पुराना रिश्ता है, हम क्लासमेट रहे हैं, हम हॉस्टल मेट रहे हैं, हम फ्लोर मेट रहे हैं। हम जब हॉस्टल बंद हो जाता था तो हम एक वक्त का खाना खुद बना के खाते थे। कृपाल जी, ऐसा क्या हो गया, हॉस्टल मेट, रूम मेट और कितने मेट आप रहे, नड्डा जी के साथ ऐसी क्या बात होगी कि ये जो रिश्ते थे इतनी इतनी पता नहीं जी। मेरा इस प्रश्न पे आके मेरा दिमाग जो है वो सीज हो जाता है, मुझे नहीं पता भी क्या हुआ, लेकिन लेकिन मुझे इस चीज का जवाब नहीं मिला। इतना मारा गया कि मेरा एहसास खत्म हो गया। कहा इन बागियों के किंग मेकर बनने की बात कही जा रही थी, लेकिन वो स्थिति आने ना पाई और इसमें ये बागी फैक्टर की बहुत अहम भूमिका रही। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी, सचिन पायलट ने मोर्चा संभाला, अग्निपथ स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम को बड़ा मुद्दा बनाया, हिमाचल ने सरकार बदलने का रिवाज कायम रखा, सरकार विरोधी लहर की बात भी सही होती नजर आई। अंत में नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस ने हिमाचल की जीत के साथ अपने आप को एक जीवनदान, एक मौका दे दिया है। आपका इस पर क्या है कहना, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।